नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं दुर्गा माता के नौ रूप कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा माता के नौ रूप कौन कौन से हैं ये हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो साथियों, आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको हम दुर्गा माँ के नौ रूप के नाम को बताएंगे और याद रखने का ट्रिक भी बताएंगे, जिससे कि आपको दुर्गा माँ के नौ रूप हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। तो साथियों, बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बैनर पर देख पा रहे हैं, माँ दुर्गा के नौ रूप कौन कौन से हैं जाने ट्रिक से। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में माँ दुर्गा के नौ रूप कौन कौन से हैं हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो देखते हैं माँ दुर्गा के नौ रूप का ट्रिक आखिर है क्या। साथियों, वो ट्रिक है SBC KSK KMS। आपको याद रखना है SBC। साथियों, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को हम S से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद BC है मेरा, देखिएगा BC है, BC, फिर हम K से शुरू करेंगे, फिर K में ख़त्म करेंगे, बीच में S को डालेंगे। तो कहाँ से शुरू किए, S से, और बीच में फिर KSK, फिर S आया है, और फिर हम उसी K से शुरू करेंगे और S लास्ट में ख़त्म करेंगे, बीच में M को डालेंगे। तो याद रखिएगा ये तीनों शब्दों को याद रखिएगा। पहला शब्द हमारा है SBC, दूसरा है KSK और तीसरा है KMS। ये तीनों को आपको याद रखना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, SBC KSK KMS। देखते हैं क्या करके हम। साथियों, यहाँ पे देखते हैं S, S से हम देखते हैं शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ दुर्गा का जो पहला रूप है वो है शैलपुत्री। दूसरा रूप देखते हैं बी से ब्रह्मचारिणी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। फिर देखते हैं सी से बहुत चंद्रघंटा होगा। जी हाँ दोस्तों, सी से चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप। तो आपको इस तरह से याद रखना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है SBC KSK KMS, और यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद आप देखिएगा SBC, सी तीसरा नंबर में है, मीन्स चंद्रघंटा तीसरा रूप हो गया। के, आप के से क्या होगा आगे देखते हैं। तो देखते हैं साथियों, के से हमारा होगा कुष्मांडा। के से क्या हुआ, कुष्मांडा। ये देखिए माँ दुर्गा का जो हमारा चौथा रूप है वो है कुष्मांडा। पांचवा रूप एस से हो गया स्कंद माता। ये देखिए स्कंद माता का तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद के, अगला जो के है वो से हो, के से हो गया कात्यायनी। कात्यायनी याद रखिएगा, K4 कात्यायनी। कात्यायनी हमारा जो है वो आपका कितना रूप हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा हो गया छठा रूप। तो कात्यायनी मेरा छठा रूप हो गया। आगे देखते हैं KMS, के से क्या होगा, के से काल रात्रि हुआ। जी हाँ दोस्तों, के से काल रात्रि, जो कि मेरा सातवां रूप हुआ। दुर्गा माँ का सातवां रूप क्या हो गया, काल रात्रि। आगे M से हुआ महागौरी, और महागौरी हुआ दुर्गा माँ का आठवां रूप। लास्ट में देखते हैं S, जो कि सिद्धिदात्री हमारा हुआ नौवां रूप। इस तरह से माँ दुर्गा का नौवां रूप हो गया सिद्धिदात्री। साथियों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, माँ दुर्गा पूजा जो है, माँ दुर्गा का जो पूजा है बहुत ही नज़दीक है, और आज कलश स्थापन कर दिया गया है। जहाँ जहाँ माँ दुर्गा का पूजा आराधना हो रहा है, वहाँ पे हर हिंदू घर में आज कलश स्थापन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को कलश स्थापन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप जो मैंने आपको बताया,
तो परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है कि माँ दुर्गा का छठा रूप बताइए, माँ दुर्गा का तीसरा रूप बताइए, माँ दुर्गा का दूसरा रूप बताइए, माँ दुर्गा का आठवां रूप बताइए। इस तरह का कई सारे सवाल माँ दुर्गा से संबंधित रहते हैं। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिक से हम बहुत ही आसानी से माँ दुर्गा का कौन सा रूप कितना नंबर पे आ रहा है हम बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कहा जाए काल रात्रि जो है, जैसे कि काल रात्रि जो है ये माँ दुर्गा का कौन सा रूप है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं काल रात्रि मेरा यहाँ पे कैसे काल रात्रि हुआ तो कितना नंबर में है। तो हम देखते हैं कि पहला ग्रुप में 3 है, दूसरा ग्रुप में 3 है और तीसरा ग्रुप में 3 है, तो 3 3 6 और तीसरा ग्रुप का पहला यानी कि 7। तो हम देखते हैं सातवां रूप मेरा काल रात्रि है, तो हम तुरंत बता सकते हैं, ऑप्शन देखते ही पता चलेगा कि सातवां नंबर में काल रात्रि है। या तो ऐसे पूछेगा माँ दुर्गा का आठवां रूप क्या है, तो हम इसी को लिखेंगे अपना कॉपी में लिख के देखेंगे SBC KSK KMS, और हम देखते हैं आठवां रूप में मेरा आ रहा है M, ये आठवां रूप में आ रहा है M, तो आठवां रूप में M, M से हम देखेंगे महागौरी, तो तुरंत हम देखेंगे ऑप्शन में महागौरी कहाँ पे है, तो आंसर हमारा महागौरी तुरंत मालूम हो जाएगा। उसी तरह से साथियों, अगर कोई पूछ देगा आपका कि सी चंद्रघंटा जिसको कहते हैं कितना नंबर में आता है, या तो तीसरा रूप में क्या है, तो तीसरा रूप में क्या है, तो चंद्रघंटा हमारा सी है, तो उसे भी हम बता सकते हैं, है ना साथियों, बहुत ही आसान आपके लिए हो गया होगा। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, माँ दुर्गा के 9 रूप आपको हमने टिक के माध्यम से याद करवा दिया हो, और आप लोग याद भी कर लीजिएगा, सभी आप लोग जितने भी हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी लोग हैं और उनके अभिभावक भी हैं, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं ये आपके साथ साथ और भी लोग जान पाएंगे, सीख पाएंगे। तो साथियों, अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, दुर्गा माँ जय।